हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमने जो छोटा था वो अपनी कंट्रोल स्ट्रक्चर था, इससे पीछे वाला हमने जो टॉपिक किया था जो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी किया था और ऑपरेटर और अपने जो एक्सप्रेसिव किया था। आज उस सेवन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो आपके नेक्स्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपने आप में एक टॉपिक बड़ा टॉपिक है जिसको थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना, किसी न किसी भी बहुत सारे छोटे बनते हैं क्वेश्चन। देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर देखिए, जब एक स्ट्रक्चर के द्वारा दूसरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जाता है, जब एक स्ट्रक्चर के द्वारा दूसरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जाता है तब उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तब उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये तो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात है। अब देखिए इसके चार पार्ट होते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के चार पार्ट होते हैं, देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उससे पहले ये टेबल यहाँ पर देखिए किसको तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला जो पार्ट आपके आता है आपके सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा जो है आपके सेंसर स्ट्रक्चर, तीसरा जो आपके लूप स्ट्रक्चर। तीन पार्टों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। देखिए सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है आपके यहाँ पर, इसमें क्या है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा है। और उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन स्ट्रक्चर, देखिए गाइस सिलेक्शन स्ट्रक्चर में नाम से पता चल रहा है कि सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करना है कि जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके द्वारा प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसके द्वारा प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, एक एक से अधिक स्ट्रक्चर होंगे। उन स्ट्रक्चरों में से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसके तीन पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ पर देखिए आप इफ स्टेटमेंट, पहला जो पार्ट आपके आता है वो कौन सा पार्ट आता है? इफ स्टेटमेंट। दूसरा जो आती है एक एज, तीसरा जो आती है स्विच। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन और प्रोग्राम दोनों क्वेश्चन बनते हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन क्या करते हैं कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इफ एल्स किसे कहते हैं, स्विच किसे कहते हैं, उसके प्रोग्राम क्या है। पहले मैं टॉपिक में बात करता हूँ इफ स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कि जब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ऑन पर एक कंडीशन रखी जाती है कि यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कार्य, ये जो आप जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा, अब लोग एग्जीक्यूट करें तो उसे क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट। जैसे अगर मैं नॉर्मली आपको बताती हूँ, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर आप, कि क्या पहले जैसे मान लीजिए आपने इफ लिखा कि यदि ए बड़ा है किससे, मान लीजिए एज बड़ी है किससे, 18 से, एज बड़ी है 18 से, तो आप क्या करोगे, सी आउट, यू कैन आउट, यू कैन वॉक। अब इसमें यहां पर देखिए, यहां पर एक हमने कंडीशन दे दी कि इफ यानी यदि, जिसे हिंदी में यदि बोलते हो, कि यदि ए बड़ी है 18 से, किससे 18 से, हमने कंडीशन डाल दी, ये वाली कंडीशन डाल दी। अब यहां पर कंडीशन डाल दी यदि ट्रू है तो कार्य करेगा एडवांस प्रोग्राम में, बचे सिंपल सी बात है, जो लफड़े वाली बात है। उसके बाद में अगर बात करें यहां पर इफ एल्स स्टेटमेंट, देखिए इसी का एक आदमी जो है वो स्वरूप, इसी का स्वरूप है, इसी को आगे और अच्छे ढंग से करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इसमें तो क्या होती है, एक ही कंडीशन होती है, यदि हाँ है तो है और ना और वो, ठीक है। तो इसमें हमें दो कंडीशन लगती है, यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा ये, अथवा दूसरा इसमें तो एक ही लगती है, क्या क्या, यदि कंडीशन ट्रू है तो प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अथवा चला होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं एक एल्स वाले में कि यहाँ पर एक एल्स नॉर्मल पार्ट को डाल देते हैं, क्या डालते हैं, एल्स पार्ट को डाल देते हैं कि यदि यदि क्या क्या है, इफ एक बड़ी है 18 से, तो क्या कर सकते हैं आप, यू कैन वॉक,
अदरवाइज क्या करोगे, यू कांट वॉक, चलोगे, यू कांट वॉक, यू कांट वॉक, बस सिंपल सा है। इसमें क्या किया हमने कि यदि आपकी जो एज है वो एजेबल हो, मतलब एज आपकी योग्यता है कि 18 साल बड़े हो, तो आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज तो आप वोट नहीं दे सकते, यू कांट वॉक, ठीक है। ये तो हो गया आपके एक ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट। देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या कहते हैं, देखिए तीनों मान इसमें तो एक कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें एक एक से अधिक कंडीशन होती है, एक और दो बिटवीन लिमिटेड। लेकिन स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि जब बहुत सारी कंडीशन होती है, मतलब दो या दो से अधिक भी कंडीशन हो सकती है, जिसमें से हमें चूज करना पड़ता है कि ये बराबर जीवन, बिल्कुल सेम कंडीशन है, इन्हीं से हम लेंगे,
आई है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल कंपेयर के रिलेशन में जैसे मान लीजिए दो रूट की बात करें तो पहले मैं सबको समझाता हूँ, हमारे पास आई जीरो है, आई नाइन इक्वल है, आई सिक्स और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर वेरिएबल के प्रॉब्लम में बोलते हैं, वेरिएबल कौन सा, ये वाला वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल क्या है और इसे प्रॉब्लम क्या करिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल कर रहे। तो आपका जो पहला पार्ट जो हो गया वो कौन सा हो गया, आपके इनिशियलाइजेशन और कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। और मैंने हिंदी में लिख दिया है, शॉर्ट में लिखा थोड़ा और थोड़ा सा अच्छे से लिखना कि यह लूप को वेरिएबल द्वारा या इसमें लूप को वेरिएबल द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसे हम इनिशियलाइजेशन और कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर कंट्रोल वेरिएबल होता है, कंडीशन फॉर कंट्रोल वेरिएबल, इसमें क्या होता है, देखो ये कारण में मान लेना क्या होता है, कंडीशन और देखिए वापस से बताता हूं मैं आपको, फॉर आई बराबर जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फाइव और आई प्लस प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर कि जो सबसे पहले जो हम मान लेते हैं वो क्या होता है, कंडीशन कंट्रोल वेरिएबल, प्रारंभिक मान दे दो, ये जो वाला मान है ना, ये वाला जो मान है ना, ये वाला जो मान वो कौन सा है, प्रारंभिक मान है, जीरो से इनिशियलाइज किया है, आपको इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल कह दीजिए या फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कह दीजिए, बात दोनों एक ही। अब आप क्या कह सकते हो, इसको इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं, देखिए इसका दूसरा नाम जो है इनिशियलाइजेशन, क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, बात तो दोनों एक ही होगी ना, कंडीशन का प्रारंभिक मान देना, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां पर हम देखते हैं स्टेप वैल्यू ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यहां पर स्टेप वैल्यू जो है आपके, सॉरी यहां पर एक आप चीज करोगे, देखिए इसको तो आप कहोगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल और इसको कहोगे आप कंडीशन, ठीक है, ये काम कर जाना, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना वापस, यहां पर देखिए ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, यहां पर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल आई ग्राफ है और यहां पर कंडीशन फॉर कंट्रोल वेरिएबल, हम यहां पर क्या हमने कंडीशन को कंट्रोल कर लिया कि भाई हमारा जो लूप है वो कहां तक चले, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू होती है वो ये वाली होती है, स्टेप वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल अगला मान देना, मतलब आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, हम क्या करते हैं अगला मान देते हैं आई प्लस प्लस के थ्रू और आई माइनस माइनस के थ्रू क्या करते हैं पिछला मान देते हैं, मतलब एक कम कर देते हैं जिसको हम एक और इसको क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों बात होते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं इसको देखते हैं किस तरीके से होता है, बहुत ही अच्छे तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपकी सबसे पहले बात करते हैं वाई लूप, इसकी बात करते हैं वाई लूप की बात करते हैं, वाई लूप क्या होता है, इस लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, इस लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, इसमें मतलब क्या होता है कंडीशन के शुरुआत में एंटर करते ही कंडीशन को चेक किया जाता है, इसे क्या कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, यहां पर देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम पता लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपका जो टाइम है जो इस वीडियो में यूट टाइम लिखिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना होगा क्योंकि एग्जाम के पास में हमारे, यहाँ पर क्या देखिए जैसे वर्ल्ड में यदि आई छोटा है या बराबर है लेस देन इक्वल टू फाइव तो हम यहां पर क्या कर देंगे सी आउट, सी आउट इसमें आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं जीरो वन टू जीरो फाइव, तो यहां पर क्या करवा देंगे बस हम लोग यहां पर मैंने आई का होगी चाहो तो आप स्लैश एन कर दो यहां पर, तो या किसी भी आप यहां पर आई का यूज कर सकते हो, इसी में प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है शेलर से वाई यहां पर आई अगर ग्रेटर देन इक्वल होता है इससे तो क्या होगा आई प्रिंट क्या होगा आई आई प्रिंट का चलिए 0 पहली बार देखते हैं इस मान से आप यहां पर आई प्रिंट कितनी थी देखिए आई प्रिंट कितनी पहले आप यहां आई प्रिंट 0 आई यहां पर इनिशियल ट्रू है आई प्रिंट भी दी तो आपके जो प्रिंट होगा वो क्या होगा प्रिंट पहले और सॉरी यहां पर क्या होगा 0 क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था 1 से कट तो 1 प्लस वो दिख रही है ठीक है फिर आपने i plus 1 i के लिए मल्टीप्लाई कितनी होगी 1 फिर आए यहां पर फ्रेंड्स कहां से है कैसे फॉर्म किया तो फ्रेंड्स से जो है i का मान क्या छोटा है छोटा है फिर 1 होगा फिर आपने यहां पर i plus 1 i के लिए कितनी 2 होगी फ्रेंड्स 2 है रिलेट को प्रिंट हो गया ठीक है फिर आपने i के लिए कितनी बढ़ गई 3 होगी यहां पर i के लिए यहां पर 3 है फिर क्रिसिफिकेशन 2 है फिर अंदर आएगा तो क्या बच गया क्या प्रिंट होगा आइडेंटिटी ऑफ प्रिंट फिर आपका एक्सेस प्लस आएगा आपके लिए ब्रैकेट में क्या प्रिंट चाहिए चार आपके पास यहां पर ना देखो यहां पर एक्सेस प्लस हुआ यहां पर भी एक्सेस प्लस हुआ यहां पर भी एक्सेस प्लस हुआ यहां पर भी एक्सेस प्लस हुआ तो ये लोग देखिए चार हो गए फिर आपने यहां पर लिख दिया वापस आए होंगे ठीक है और यहां पर भी आपने कंडीशन बढ़ाई कितनी होगी चार होगी फिर आपने यहां पर आएगा कंडीशन क्यों होने वाला ठीक है तो ऐसे करके क्या करेंगे लास्ट तक आप यहां पर आंतरिक प्रिंट करवा देते हैं क्योंकि जब आपके वैल्यू 6 हो गया तब देखो फिर बात होगी आपके वाइल जब दोस्तों मैं इसको आपको ज्यादा डिटेल नहीं चल रहा हूं ओनली फॉर आपको मैं कांसेप्ट यहां पर क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा नजदीक है 5-7 दिनों में क्वेश्चन भी मिल सकता है लेकिन मैं जितना हो सके उतना आपको और जो है आपको कंप्लीट और आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं करूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके इससे ठीक है अब उसके बाद देखिए आपके जो बात आती है फॉर लूप की बात आती है फॉर लूप में क्या होता है फॉर लूप में क्या होता है फॉर लूप में भी सेम ही आंसर है यहां पे एंटर फाइल लगा देना आपने वर्ड में इंटीजर यहां पर देखिए यहां पर इसके और इसके इतना फर्क है कि आप लोग जीरो डिक्लेयर कर दिए मिसेज कर दिए लेकिन आप लोग मिसेज नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर ही ये स्पेसिफिक दे रखी है तो देखिए सी एल आर एस सी एल ठीक है फिर हमने फॉर लूप बनाया आई का मतलब देखिए हमने यहां से यहां पर क्योंकि ये फॉर लूप के साथ सिस्टम की नॉलेज से यहां पर एक चीज आती है और आई इज इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस फिर यहां पर सी आउट किया हमने बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम आई आप इसके द्वारा कोई और भी प्रोग्राम बना सकते हो गेट स्टेट्स ये यहां पर कंप्लीट हो गया ब्लॉक किया जी यहां का अगर वो कॉपी कोई नहीं होगा ठीक है गाइस टेस्ट करें ठीक है सेम आउटपुट आएगा सेम जो आउटपुट है वो सेम आएगा तीनों का आउटपुट जो है वो तीनों का सेम आएगा दोनों सेम आएगा इसमें भी सेम आउटपुट आएगा क्या आएगा वो 0 1 2 3 4 5 वो सेम सेम आएगा इसमें अगर मैं दुबई की बात करूं तो यहां पर क्या देखिए लेकिन इस चीज बता दो मैं आपको कि वाइल भी क्या है कि यहां पर कंडीशन है यहां पे इस वजह से यहां पर कंडीशन यहां पर स्टेप है तो नो अदर कर दी लेकिन फॉर लूप में क्या है कि चीज एक साथ दे दी तो क्या कि चीज एक साथ दे दी मिल गई या कंफ्यूज करते हैं सबसे इजी और सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट मतलब यूजफुल है वो जरूर करके उसके बाद मैं बात करूं दुबई यहां पर अगर मैं दुबई की बात करूं यहां पर एक नंबर दो नंबर फोर लूप भी है लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं और ये बताओ फोर लूप ठीक है दो बार देखिए आपके यहाँ से वर्ड में इंटीजर आई बराबर 0 सी एल आर एस सी आर अपने आप को बनाया और यहाँ पर आपने क्या किया 2 और इसके अंदर आए और क्या क्या हुआ सी आउट आई विल प्रिंट और उसके बाद में यहां पर आपने आई प्लस प्लस किया और यहां पर आपने क्या किया 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 प्लस में सभी को पक्का ले लेंगे यहां पर क्योंकि यहां पर और में नहीं लगता है इसमें भी नहीं लगता यहां पर भी नहीं लगता क्योंकि वाइल में जब भी आप लगाओगे तो इसको बोला हो
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए कि वर्ड में इंटीजर आई है कि सेम टू सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिलेबस के बारे में कुछ इतना ही एग्जाम्पल वाई थी करना हमने, वहां पर क्या आ जाएगा आपके डू आ जाएगा, क्या जाएगा आपके डू आ जाएगा, फिर सेम आई सेम पैसिव लोग आई प्लस प्लस सेम पैसिव लोग, फिर यहाँ पर एक चीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने कुछ नहीं वाई वाई तो हमने यहाँ पर यूज किया था, वो क्या हुआ कि वाई जो है ना वो आपके नीचे आ जाएगा, नीचे जाए वाई आई लेंथ इन इक्वल टू फाइव और सेमीकोलन। देखिए यहाँ पर मैं आपको चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे गलती करते हैं कि देखिए यहाँ पर वाई में एक सेमीकोलन नहीं लगता लेकिन और यहाँ पर भी नहीं लगता, लूप दोनों लूपों में नहीं लगता लेकिन वाई के अंदर सेमीकोलन लगता है, क्यों लगता है देखिए इस क्वेश्चन से कि कंप्यूटर के अंदर जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट के लास्ट में जहां पर हमें उस स्टेटमेंट को या लाइन को कंप्लीट करना होता है वहां पर हम क्या करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है क्या में ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो, इससे आगे इसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, उसका प्रोसेस मतलब उसका पार्ट नहीं है, उसका ब्लॉक आगे नहीं है, इसका खत्म, तो वहां पर हम क्या करते थे सेमीकोलन लगाते थे। जैसे यहाँ पर देखिए इंटीजर आई है हमने ये सब लोग खत्म कर दिया, हाँ आई यहाँ पर खत्म होगा छह लगे से क्या करते, लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पर बाइक पर करते मान लीजिए यहाँ पर कि फोर लोग यहाँ पर मैं कर देगा सेमीकोलन लगा, तो इसका मतलब ये जो चीज है आपके सी आर ये इसका ब्लॉक मानेंगे जब ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं, क्यों क्योंकि हमने स्टेटमेंट यहीं पर ठीक है इसलिए इसका ब्लॉक है, लेकिन वाइल में क्या हुआ कि वाइल में ऊपर ना आकर यहाँ पर नीचे आ गया, तब इससे नीचे तो कोई ब्लॉक ही नहीं है ना, अगर नीचे ब्लॉक ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म कर देते हैं, ठीक है तो ये जो वाइल थी वो आपके लूपिंग यानी लूप था जो मैंने आपको समझाया, फिर भी कोई गड़बड़ हो तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बता दें।